नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ब्लैक फंगस को हरियाणा ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था, उसके बाद राजस्थान ने भी संक्रमण को महामारी एक्ट में शामिल कर लिया। फिर केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों के कहा कि ब्लैक फंगस को पैंडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु भी ब्लैक संक्रमण को महामारी घोषित कर चुके हैं। गुजरात में पहली बार 15 साल के किशोर को ब्लैक फंगस हुआ। अहमदाबाद में कोरोना से उभरे 15 साल के किशोर में ब्लैक फंगस का संक्रमण मिला, उसको ऑपरेशन करना पड़ा। 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद किशोर संक्रमण मुक्त हो गया। डॉक्टर अभिषेक बंसल ने बताया कि राज्य में किसी किशोर में म्यूकर माइकोसिस का यह पहला केस है। ऑपरेशन से उसके तालू और साइड के दांत निकालने पड़े। एक्सपर्ट की सलाह से ब्लैक फंगस से बचने के लिए डायबिटीज कंट्रोल में रखें। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं। हालांकि यह संक्रमण शुगर के मरीजों में ज्यादा देखा जा सकता है। इसी को लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने शुक्रवार को कई अहम जानकारियां दी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मरीजों को डॉक्टर्स की सलाह पर ही स्टेरॉयड दिया जाना चाहिए, साथ स्टेरॉयड की हल्की और मीडियम डोज ही देनी चाहिए। अगर कोई लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहा है तो डायबिटीज जैसी समस्या आ सकती है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने बताया कि नाक में दर्द, जकड़न, गाल पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस पैच, आंख की पलक में सूजन, आंख में दर्द या रोशनी कम होना और चेहरे के किसी भाग पर सूजन जैसे लक्षण आते हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को काबू करने का एक ही रास्ता है, स्टेरॉयड का सही तरीके से इस्तेमाल करें और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। रिपोर्ट IPL।